फाइल में हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नई फाइल को बनाया जा सकता है, या नई फाइल में एडिटिंग करके उसको दोबारा सेव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। कोई फाइल से काम हमें नहीं है या गलत है वो फाइल, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। फाइल को आप ओपन कर सकते हो, जब मन चाहे ओपन कर सकते हो, जब मन चाहे क्लोज कर सकते हो। उसमें आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रीड एंड राइट, अपेंड, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच भी कर सकते हो। सी, एक फाइल को बार बार देखकर, आप कोई दूसरी फाइल बना रहे हो, एक फाइल को देखकर बार बार देखोगे आप, और उसके थ्रू आप दूसरी फाइल बनाओगे, है ना, ये चीज भी कर सकते हो। गेट एट्रीब्यूट, कोई फाइल क्या काम कर रही है, या वो फाइल ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे मानने की बात, मैं एक 3 साल के बच्चे को बोल दूं कि तू कार चला ले, क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि उस बच्चे में वो क्वालिटी अभी नहीं है। वो क्वालिटी उसमें आगे चल के आ जाएगी, अलग बात है, लेकिन अभी उस बच्चे का एट्रीब्यूट जो है वो कार चलाने का नहीं है। उस बच्चे का एट्रीब्यूट है छोटी प्लास्टिक की साइकिल चलाने का। ठीक है ना, तो यहाँ गेट एट्रीब्यूट, कौन सी फाइल क्या काम कर सकती है, वो एट्रीब्यूट आपको पता करना, ये आप कर सकते हो। ठीक है ना, सेट एट्रीब्यूट, हम चाहते हैं कि ये फाइल ऐसा काम करने लगे। जैसे वो 3 साल के बच्चे को मैं चाहता हूँ कि ये कार चला ले, तो मैं उसको कार चलाना सिखा दूंगा, है ना। तो मतलब उसका एट्रीब्यूट मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग को कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन आप कंप्यूटर चलाने लगो, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपके एट्रीब्यूट को सेट कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर चलाने लगो। हालांकि आता है आप सबको चलाना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट एंड लास्ट है रीनेम। फाइल को आप किसी नाम से सेव करते हो, उस फाइल को आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं फाइल के ऑपरेशन जो कि हम इन फाइल्स पे परफॉर्म करते हैं। अब फाइल तो हमने बना ली, फाइल के बारे में हमने जान लिया, ठीक है ना, लेकिन फाइल रहती कहाँ पर है, फाइल का घर क्या है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरीज। ठीक है, फोल्डर तो सुना ही होगा आप सभी ने। फोल्डर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, और फाइल कहाँ पर रहती है, डायरेक्टरीज के अंदर रहती है। मतलब फाइल, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, डायरेक्टरी इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। बहुत सारी फाइल जहां पर इकट्ठी हो जाती हैं वो डायरेक्टरी कहलाती है। देखो लिखा भी है, डायरेक्टरीज कंटेन फाइल्स और अदर डायरेक्टरीज कॉल्ड सब डायरेक्टरीज, दे मे ऑल्सो बी एम्प्टी। तो क्लियरली यहाँ बोला जा रहा है कि एक फोल्डर के अंदर आप कई सारी फाइल भी रख सकते हो, और उसी फोल्डर के अंदर आप दूसरे फोल्डर भी रख सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल ही रखोगे, है ना। जैसे हमने एक हमने फोल्डर बनाया म्यूजिक के नाम से। ठीक है, अब उस म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर हमने म्यूजिक की फाइल्स डाल दी। उन फाइल्स का, म्यूजिक की फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होगा, बताओ जल्दी मुझे, कोई कोई बताओ जल्दी मुझे, म्यूजिक की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? MP3 MP3। वेरी गुड, वेरी गुड, MP3 ठीक है, MP3 वेरी गुड, ठीक है, MP3। ठीक है, 50 MP3 आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपको एक MP4 भी दिख रहा है, तो वो क्या होगा MP4? सर इनवैलिड वो सर है मूवी होगा, वीडियो, मूवी मूवी के लिए मूवी। होगा ठीक सर, है, मूवी ठीक होगी है, वीडियो या मूवी कोई ठीक है, म्यूट हो जाओ आप सब लोग। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, उस फाइल का एक्सटेंशन पता चल रहा है। अब फाइल का एक्सटेंशन पता चलेगा तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर उस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर या उस टाइप का एप्लीकेशन भी आपको चाहिए जिसके थ्रू आप उस फाइल को चला पाओ। जैसे MP3 फाइल है तो उसके लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर डालना पड़ेगा, कोई MP4 फाइल है उसके लिए भी आपको VLC मीडिया प्लेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इन फाइल्स को हमने रखा कहाँ है, एक डायरेक्टरी, म्यूजिक नाम की डायरेक्टरी में रखा है, या म्यूजिक नाम के फोल्डर में रखा हुआ है। ठीक है,
अब म्यूजिक नाम का जो फोल्डर है उसमें हमने दो और फोल्डर बना दिए, ओल्ड म्यूजिक एंड न्यू म्यूजिक। ठीक है, तो ओल्ड म्यूजिक में हमने पुराने वाले गाने सेव कर दिए और न्यू म्यूजिक वाले फोल्डर में हमने नए वाले गाने सेव कर दिए। पुराने वाले गाने हम सुनते नहीं है, नए वाले सुनते हैं, तो नया वाला फोल्डर तो फुल है ना। नए वाले फोल्डर में बहुत सारे गाने हैं लेकिन ओल्ड वाला फोल्डर खाली है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी या फोल्डर का ये एट्रीब्यूट है कि एक डायरेक्टरी के अंदर या एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल भी रह सकती हैं और उनके बीच में हम और भी दूसरे फोल्डर्स को भी डाल सकते हैं। और जो एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर। ठीक, डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फैशन। हायरार्की समझते हो आप? हायरार्किकल क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। नहीं सर। यस सर। हेलो। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, हायरार्किकल क्या होता है सर? हायरार्की क्या होती है? देखो, जैसे मानने की बात मैं हूं, मेरे पास किसकी जायदाद आएगी? मेरे पिताजी की जायदाद मुझे मिलेगी। ठीक है ना, और मेरी जायदाद किसको मिलेगी? मेरे बच्चे को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना। तो ये चीज जो कहलाती है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताया है, ये चीज कहलाती है हायरार्की। ठीक है, हायरार्की है ये कि जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी मतलब यहां देखो आप, ये दिख रहा है आपको रूट डायरेक्टरी। ठीक है, इस रूट डायरेक्टरी में हमने बहुत सारे फोल्डर डाले हुए हैं। ठीक, ए फोल्डर, बी फोल्डर, सी फोल्डर। ठीक है ना, तो ये क्या कहला रहा है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। ये जो डायरेक्टरीज होती हैं हायरार्किकल वे में परफॉर्म करती हैं। ठीक है, डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फैशन और डायरेक्टरीज कैन कंटेन अदर डायरेक्टरीज। मतलब एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी को अपने अंदर कंटेन करके रख सकती, या एक फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर रख सकते हैं। दे हेल्प अस टू कीप आवर फाइल्स ऑर्गेनाइज। ऐसा क्यों होता है कि हमारी फाइल्स ऑर्गेनाइज रहें? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक म्यूजिक का फोल्डर बनाया, उस म्यूजिक में आपने ओल्ड म्यूजिक नाम से एक फोल्डर बनाया, आपने न्यू म्यूजिक नाम से एक फोल्डर बनाया, या फिर मैं कहूँ कि आपने 2019 के नाम से एक फोल्डर बनाया, 2018 के नाम से एक फोल्डर बनाया। तो ये चीज हम क्यों कर रहे हैं कि हमारी फाइल्स व्यवस्थित हों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई कुमार सानू के गाने सुना दो आप मुझे, तो आप क्या करोगे? 2020 का फोल्डर खोलोगे क्या? नहीं खोलोगे। आप 1990s का फोल्डर खोलोगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपको डेटा को सर्च करना यहाँ पर आसान हो रहा है, आपको डेटा सर्च अपने ही कंप्यूटर में डेटा को सर्च करना आसान काम हो रहा है। जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च किया बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वीडियो, ठीक है, तो YouTube का जो सर्च इंजन है वो फाइल को सर्च कहाँ करेगा? कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वहां पर सर्च करेगा। अगर आपने सर्च किया बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वो कहाँ सर्च करेगा? सिविल वाले जो भी वीडियोज होंगे वहां पर सर्च करेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाल देंगे BCE वीडियोज, अब BCE मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है और BCE मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी है, तो वो क्या करेगा? BCE के नाम से बेसिक कंप्यूटर, बेसिक सिविल, दो जो भी उसका सब्जेक्ट होगा उन सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपके सामने वो लाकर दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, फाइल को सर्च करना बहुत आसान हो रहा है। अब फाइल चाहे आपको अपने कंप्यूटर में सर्च करना हो, चाहे आपको इंटरनेट पे ब्राउजर के थ्रू आपको सर्च करना हो, तो यहाँ पर फाइल को सर्च करना आसान होता है। इसीलिए जो फाइल्स होती हैं वो हायरार्किकल वे में काम, डायरेक्टरीज जो होती हैं वो हायरार्किकल वे में काम करती हैं। और ये हायरार्किकल वे होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम कंटेन फोर फाइल। क्या यहाँ पर चार फाइल होंगी? ओन्ड बाय थ्री डिफरेंट पीपल,
ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं, चार फाइल्स हैं यहाँ पर, और उनमें से जो अलग अलग हैं, तीन फाइल इसमें अलग अलग हैं। एक हो गई हमारी रूट डायरेक्टरी, ठीक है ना, और बाकी तीन हो गई इसमें अलग फाइल। तो हायरार्किकल वे में ऐसे काम करता है। दूसरा है टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम में क्या होगा, मानने की बात, एक हो गई हमारी रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद यहां पर हो गई एक ए बी एंड सी, ये क्या हो गई हमारी यूजर डायरेक्टरी हो गई। यूजर डायरेक्टरी जैसे मानने की बात, ये एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में मुझे आप 20 बच्चों का इंफॉर्मेशन हमें डालना है इस कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूंगा 20 फोल्डर बना लूंगा, यहाँ पर 20 डायरेक्टरी बना लूंगा, ठीक है ना। अब वो फोल्डर में किस चीज के लिए बना रहा हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं या मार्कशीट है आपकी, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी का नाम दे दिया मैंने मार्कशीट, ठीक, और उसमें मैंने मार्कशीट के अंदर 20 फोल्डर बना दिए आप लोगों के अलग अलग नाम से, ठीक है ना। अब जहां पर मैंने आप लोगों के नाम डाल दिए, मानने की बात मैंने नाम डाल दिया गुनीराम, ये गुनीराम है, गुनीराम की पहले सेमेस्टर की मार्कशीट और ये दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट, अजय की, ये अजय है, अजय की फर्स्ट सेम की मार्कशीट, सेकंड सेम की आई नहीं, है ना, प्रभाकर की फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की और थर्ड सेम की मार्कशीट, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया है, मार्कशीट के फोल्डर में बच्चों के नाम डाल दिए और उन बच्चों की जितनी मार्कशीट आती गई उनको मैं यहाँ पर सेव करता गया। तो ये एक व्यवस्थित काम हो गया यहाँ पर। अब जैसे अगर मेरे एचओडी मुझसे बोलेंगे कि भाई गुनीराम की फर्स्ट सेम की मार्कशीट लाओ, तो मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा, मार्कशीट नाम का फोल्डर खोलूंगा, गुनीराम नाम का फोल्डर खोलूंगा और उसमें से फर्स्ट सेम की मार्कशीट निकाल के उनको दे दूंगा, है ना, सही चीज। तो टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम ऐसे काम करता है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम। हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम और टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम को पढ़ा, इन दोनों को हमने मिला दिया, वही वर्क हो रहा है यहाँ पर हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप दिख रहा है आपको रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद यहाँ पर हो गई यूजर डायरेक्टरी, ठीक है, और इन यूजर डायरेक्टरी के अंदर भी ध्यान से देखो जो बॉक्स बना हुआ है ये फोल्डर है या ये डायरेक्टरी है, और जो सर्कल बना हुआ है ये फाइल है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर जो सर्कल है ये फाइल है, बॉक्स है वो डायरेक्टरी है। अब यहाँ देखो एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ डायरेक्टरी भी है, दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, है ना। तो रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी हो गई बी, और बी की सब डायरेक्टरी हो गई यहाँ पर ये B1 और B2, और यहाँ पर उसी नाम की एक फाइल भी है, ठीक है ना। तो हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम में काम ऐसे होता है कि एक रूट डायरेक्टरी के अंदर कई सारी अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं और कई सारे अदर फाइल्स भी हो सकती हैं, और पर्टिकुलर उस फाइल के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्टरी के अंदर फाइल हो सकती है लेकिन फाइल के अंदर डायरेक्टरी होती नहीं, हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, कौन है रे बेटा म्यूट हो जाओ, कौन है, हाँ फाइल सॉरी डायरेक्टरी कंटेन फाइल, है ना, मतलब डायरेक्टरी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल, मतलब हम डायरेक्टरी के अंदर कई सारी फाइल्स को रख सकते हैं लेकिन फाइल के अंदर हम डायरेक्टरी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फाइल मैनेजमेंट, या हम कहें कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें फाइल्स कैसी होती हैं, फाइल्स के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हम फाइल्स में ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, और फाइल कहाँ रखी जाती है, तो डायरेक्टरी में रखी जाती है। सिंगल लेवल, टू लेवल और हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम।